अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, आई एम यू जी साइंस टीचर मिस जैनब। वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4, लेसन नंबर 7, आवर 4, रीडिंग ऑन पेज नंबर 52। कीप योर लेड पेंसिल्स रेडी। फर्स्ट पॉइंट, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। क्लीन योर माउथ विद वाटर आफ्टर ईटिंग, और हमें अपना मुंह साफ करना चाहिए खाने के बाद पानी से। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियां और फल शुड बी वॉश्ड, हमें धोने चाहिए विद क्लीन वाटर, साफ पानी से, बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। वॉश से लेके ईटिंग तक अंडरलाइन करें। ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड, हमें फ्रेश और कवर्ड फूड को खाना चाहिए। डू नॉट ईट रोड साइड फूड विच इज़ अनकवर्ड, और रोड साइड जो फूड होते हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, उससे हमें बीमारियां भी लग सकती हैं। इस लाइन को ईट से लेकर आप फूड तक अंडरलाइन करें। डू नॉट ईट जंक फूड लाइक, हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए, जैसा कि चिप्स, पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स टू ऑफन। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, ये सारे क्या हैं, जंक फूड हैं, जो कि हमें नहीं खाने चाहिए। जंक फूड इज़ टेस्टी, लेकिन जंक फूड जो है वो टेस्टी होते हैं बट अनहेल्दी, लेकिन हमारे लिए क्या है, अनहेल्दी होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। उसके बाद है हेल्दी टीथ, सेहतमंद दांत। यू नीड हेल्दी टीथ, हमें सेहतमंद दांत की ज़रूरत क्यों होती है, सेहत हो टू च्यू द फूड प्रॉपरली, अपने खाने को प्रॉपर तरीके से च्यू करने के लिए, चुबाने के लिए। च्यू का मीनिंग लिखें चुबाना। इन ऑर्डर टू हैव हेल्दी फूड, हेल्दी टीथ, यू मस्ट ब्रश योर टीथ ट्विस्ट आ डे। अपने टीथ्स को हेल्दी रखने के लिए हमें चाहिए कि अपने दांतों को दिन में दो दफ़ा ब्रश करें। इन से लेके ट्विस्ट आ डे तक अंडरलाइन करें। इट रिमूव्स द फूड पार्टिकल्स स्टक इन योर टीथ, इससे क्या होता है कि हमारे दांतों में जो फंसे हुए पार्टिकल्स होते हैं, जर्रे होते हैं खाने के, वो रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इसीलिए हमें दिन में दो दफ़ा ब्रश करना चाहिए। इस लाइन को भी अंडरलाइन करें, इट से लेकर टीथ तक। कम टू द नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 53, वर्क पेज, इसे आप सॉल्व करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले, खाना जो है वो हमें क्या देता है, मीट देता है या एनर्जी, तो एनर्जी पे आप टिक करें। फूड हमें ताकत देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। उसके बाद है सेकंड पे, डैश इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड, इनमें से कौन सी चीज़ जो है हमारे लिए एनर्जी गिविंग फूड है, वेजिटेबल्स या राइस। राइस, राइस पे टिक करेंगे और ब्लैंक में लिखेंगे राइस। थर्ड वन, अ प्रॉपर मील विद फूड फ्रॉम एवरी ग्रुप, हर ग्रुप में से एक वाफिर मकदार खाने की, इज़ कॉल्ड डैश डाइट, हमारे लिए क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। फॉर पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड डैश, जो लोग गोश्त खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन। आप इसे टिक करेंगे और लिखेंगे नॉन वेजिटेरियंस। फिफ्थ वन, यू मस्ट ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे, हमें रोज़ाना कितने ग्लास दूध के लेने चाहिए, टू पे टिक करें और इसे राइट करें। ईट स्लोली एंड डैश योर फूड वेल, हमें खाना आहिस्ता और चबा कर खाना चाहिए। च्यू पे टिक करें और लिखेंगे ब्लैंक में। यू शुड नॉट ईट डैश फूड, हमें जो है कौन से खाने नहीं खाने चाहिए, जंक फूड, जंक पे टिक करें और इसको लिखेंगे। एट, यू शुड ब्रश योर टीथ डैश अ डे, हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, कितनी दफ़ा, ट्विस्ट, दो दफ़ा दिन में। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, फाइट डिजीजेस, पल्सिस, बटर, नॉन वेजिटेरियन फूड, वाटर, वॉश फूड्स। अब हमने इनको मैच करना है। फाइट डिजीजेस, हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए बाय प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड को यूज़ करके। सेकंड, पल्सिस, दालें, दालों से क्या होता है, ये कौन से हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड है। बटर जो है वो एनर्जी गिविंग फूड। नॉन वेजिटेरियन फूड कौन से हैं, फिश। वाटर को आप मैच करेंगे, क्लींजिस बॉडी फ्रॉम इनसाइड, पानी जो है वो हमारी बॉडी को अंदर से साफ करता है। उसके बाद है वॉश फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। थैंक यू।